प्रणय नमस्कार दोस्तों, द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज आपके लिए करंट अफेयर का वीडियो नंबर 49। तो इससे पहले मैंने 48 वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है वीडियो नंबर 49। इससे पहले जो है, जो भी वीडियोज बने हैं वो आज तक की करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो देखिए, पहला प्रश्न, वेस्टर्न नेवल कमांड का सेनाध्यक्ष किसे बनाया गया है? वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी, नेवल का मतलब नेवी से यानी जल सेना से, कमांड का मतलब वो एक क्षेत्र। तो कुल मिलाकर पश्चिमी क्षेत्र जो नेवी में होता है उसका सेनाध्यक्ष किसे बनाया गया है? उप एडमिरल यानी सब एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह को बनाया गया है। तो इनको शॉर्ट में ए बी सिंह भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। ये आपका, किसे अप्रैल 2018 में WWE के हॉल ऑफ फेम वर्ग में शामिल किया गया? तो देखिए, जो कुश्ती की एक संस्था है WWE, उसने हाल ही में घोषणा की है कि बिल गोल्डबर्ग नामक एथलीट को, यानी ये जो खिलाड़ी हैं, इनको हॉल ऑफ फेम यानी सम्मानित किया जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा गया है। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न देखिए, किस एनजीओ द्वारा दायर याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बालिग को किसी से भी शादी करने का अधिकार है? यानी कि एनजीओ क्या होते हैं? गैर सरकारी संगठन होते हैं। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। तो एक एनजीओ है जिसका नाम है शक्ति वाहिनी। तो शक्ति वाहिनी एनजीओ की याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने ये निर्णय दिया है कि किसी भी बालक को जो 18 वर्ष से अधिक आयु का हो चुका है वो किसी से भी शादी कर सकता है। इस पर माता पिता या खाप पंचायत या कोई भी सामाजिक तत्व उसको रोक नहीं सकता है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, शक्ति वाहिनी ये क्या है? एनजीओ है, इसके कहने पर ये हुआ है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला रक्षा मंत्री का क्या नाम है? तो देखिए, इसका नाम है निर्मला सीतारमण, जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, तो सुखोई में उड़ान भरने वाली पहली रक्षा मंत्री जो कि महिला है। ठीक है, चौथा प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, जैसा कि आप जानते हैं, इनके बीच काफ़ी विवाद रहता है। ठीक है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया कौन से खेलों में एकल एकीकृत कोरिया ध्वज के साथ प्रदर्शन के लिए सहमत हुए हैं? यानी कि ऐसा जो है खेल जिसके प्रदर्शन के दौरान वो एकीकृत झंडा अपनाएंगे, यानी उनका जो नेशनल फ्लैग होगा, झंडा होगा, वो एक होगा दोनों का। तो देखिए, अब आगे आने वाले जो शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं, शीतकालीन, उनमें ये दोनों एक मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न हो गया है, इसमें ये दोनों सहमत हुए हैं। छठवां प्रश्न देखिए, सरकार ने किस तिथि से यात्री परिवहन वाहनों में, ठीक है, यात्री परिवहन वाहनों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस उपकरण लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो 1 अप्रैल से ये जो है लागू होगा, 1 अप्रैल से जीपीएस उपकरण लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो सातवां प्रश्न देखिए, यूके की पीएम यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की पीएम थेरेसा मे, उनका पीएम का क्या नाम है? थेरेसा मे ने सामाजिक अलगाव से निपटने के लिए कौन से मंत्री का पद सृजित किया है? तो मंत्री का नाम है अकेलापन मंत्री। ये बड़ा आपको दिलचस्प लगेगा कि इंग्लैंड में लाखों लोग अकेलेपन के शिकार हैं, यानी कि उनके पास कोई भी बातचीत करने के लिए नहीं है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो उन सबकी समस्याओं को दूर करने के लिए इंग्लैंड ने एक अकेलापन मंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, तो अकेलापन मंत्री उनको, उनके अकेलेपन को दूर करने का प्रयास करेगा। अब कल्पना कीजिए, भारत जैसे इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में अकेलापन मंत्री हो सकता है क्या? चलो, ये तो अलग बात रही। बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, किस गांव में पीएम मोदी व इजराइल के प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में आई क्रिएट केंद्र का उद्घाटन किया? ये आई क्रिएट क्या है? आई क्रिएट के तहत भारत और इजराइल दोनों एक दूसरे के वाणिज्यिक, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या जो भी नवाचार से संबंधित मिलकर काम करेंगे। ठीक है, आई क्रिएट, तो ये कहाँ पे किया गया? अहमदाबाद के देव ढोलेरा गांव में। ठीक है, देव ढोलेरा गांव में आई क्रिएट केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो आठवां प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। नवा प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत ने परमाणु सक्षम कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया? यानी कि ऐसी मिसाइल जो परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है, तो ये आपका आंसर है अग्नि 5। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं हर रोज एक प्रश्न पूछता हूं और उसका उत्तर भी देता हूं, तो आज का प्रश्न
बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कल का उत्तर क्या था। तो कल आपसे पूछा गया था कि नोबेल पुरस्कार जो होते हैं 2017 में, उनमें शांति का पुरस्कार किसे मिला। तो देखिए इसका आंसर है इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वीपन्स नामक संस्था को मिला है। अगर आपको सही से एक अंक पाना है तो उस संस्था का पूरा पूरा फुल फॉर्म लिख के आइएगा, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट में शॉर्ट फॉर्म लिखा था, वो मेरे ख्याल से एक सही उत्तर नहीं माना जा सकता है, आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना चाहिए। केवल 4-5 लोगों ने इसका फुल फॉर्म लिख के भेजा था कमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न देखिए है, महिलाओं द्वारा संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन है, यानी कि ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पर सभी प्रकार के कर्मचारी, स्टाफ, रेलवे स्टेशन के मास्टर सभी लोग कौन है, महिलाएं हैं। तो आपको कमेंट में बताना है कि महिलाओं द्वारा संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन है। तो कृपया कमेंट जरूर करें, इससे हमको आत्मबल एवं आत्मसंतुष्टि तथा उत्साहन मिलता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।